दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित पीईटी की परीक्षा आज 15 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुई है। इस परीक्षा में दो पाली में ये परीक्षा संपन्न हुई है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का मैं क्वेश्चन आपको गणित का यहाँ पर व्याख्या सहित हल बताऊंगा, और मुझे जिस तरह से क्वेश्चन मिले हैं, जिसका सबसे साफ और सही क्वेश्चन मिला है उनको मैं लिया हूं, इसलिए मैं यहां बुकलेट की सीरीज दे पाने में असमर्थ हूं, क्योंकि कई सीरीज से ये क्वेश्चन छांटे गए हैं, लिए गए हैं। बस आपको क्वेश्चन समझना होगा और क्वेश्चन के जो आंसर आएंगे वो देखना होगा। तो क्वेश्चन करने के लिए चलिए सबसे पहले हम इस टेबल को यानी इस सारणी पर आधारित क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए, पहले इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। इसमें दिया गया है कि दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय लाख रुपए में, व्यय माने एक्सपेंडिचर दिया है लाख रुपए में है, और यहां पर वर्ष दे दिया है 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, और वेतन पर व्यय है, ईंधन तथा परिवहन पर व्यय, बोनस पर व्यय, ऋणों पर ब्याज और टैक्सेज, ये सब बातें दी गई हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। तो हम लोगों को क्या करना है कि 2011 यानी ये वाली स्लैब, इस वाली स्लैब को सब यहां पर टोटल जोड़ लेना है। तो देखिए 300 और 1400 हो जाएगा, और ये 85 और 13.4 है, तो 13 में ये 2 जोड़ जाएगा 15, और 85 ये 500, तो ये 500.4 हो गया, ये 2011 का आ गया। अब 2015 ये है, 2015 का इसी तरह से हम लोग जोड़ लेंगे, तो 2015 को जब जोड़ेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 732.36। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था, तो इसके सापेक्ष इस व्यय को देखना है। तो प्रतिशत व्यय कैसे निकालते हैं भाई, 500.4 बटा में 732.36 × 100। अब देखिए दशमलव का एक अंक ऊपर है, दशमलव का दो अंक नीचे है, तो एक जीरो और ऊपर हम लोग बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा दशमलव ऊपर से खत्म और नीचे से खत्म। अब ये एक संख्या आ गई जिसे हमको भाग दे करके इसके आंसर लाने होंगे, तो इसमें भाग देने पर ये आ जाएगा 68.32% के लगभग, तो ये 68.32% इसका आ जाएगा और ये ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह से इस व्यय को हम लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन में जो कुल व्यय था वो 2011 और 2015 का था, 2015 के सापेक्ष 2011 का व्यय कितना प्रतिशत था, यही पूछ रहा है कि 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। तो 2015 के सापेक्ष निकालना है, तो जिसके सापेक्ष निकालना रहता है उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में रहती है यानी हर में रहती है, और इस तरह से वो प्रतिशत आ गया यानी 68.32%। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ेगी। तो देखिए ये ब्याज वाली ये पूरी राशि है, यानी इस पूरे को हम लोगों को जोड़ लेना है, तो इसको जोड़ने पर देखिए 4 और 5 9 9 6 15 15 4 19 और 19 4 23 के 3 हासिल 2, और 3 2 5 5 2 7 1 8 8 6 14 14 और 9 23 23 के 3 फिर 2 हासिल हो गया 2 1 3 2 5 3 8 8 2 10 10 3 13, तो ये 133.3 आ गया। अब औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत निकालने के लिए हमारे पास ये योग आ गया 133.3, और इसमें 5 का भाग दे देंगे क्योंकि ये कुल जो वर्ष हैं ये इनकी संख्या
पांच है तो पांच से भाग दे देंगे, तो देखिए पांच दूनी दस और ये तैतीस आ जाएगा, पांच छह के तीस और फिर पांच छह के तीस, तो ये 26.66 के करीब ये आ गया। तो इसका औसत आ गया 26.66 लाख रुपया। तो इसमें जिसका कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग इस पर काम करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू लाख में दी है तो लाख में इसका आंसर आएगा, ये भी ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर आठ करते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ में दिया है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत। तो देखिए वेतन पर ये व्यय है 300, 340, 524, 340, 450, अब इनको जोड़ लेंगे तो देखिए ये हो गया 4 और 4 दो 6, 6 4 10, 10 5 15, 1 3 1 4, 4 3 7, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, तो 1954 लाख रुपया ये आ गया है वेतन पर व्यय। और यहां पर बोनस पर व्यय पूछ रहा है, तो देखिए ये बोनस है तो बोनस वाले में सब दशमलव में है तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15, 4, 19, 19 और 4। देखिए बोनस पर कह रहा है तो बोनस पर ये देखिए ये दो है तो ये 4, 2, 6, 2.00 कर लीजिए तो ये 4, 2, 6, 6, 6, 8, 6, 14, 14, ये हम लोग ब्याज वाला पर नहीं, ये बोनस वाला पर बात हो रही है तो ये बोनस वाली बात कर रही है, इसमें हम लोगों की बात कर रहे हैं बोनस पर। तो बोनस वाली वैल्यू जोड़ लेना है 4, 2, 6, 6, 8, 14 और 14, 6, 20, 0, 8, 9, 2, 5, 2, 7, 7 और 8, 15, 15 और 6, 21, 21 और 9, 30, 0 हो गया और 3 हासिल 3, 2, 5, 5, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 2, 12, ये आ गया 12। तो ये 12 लाख आ गया और ये आ गया 1954 लाख। तो पूछ रहा है कि ये जो 12 लाख है इसका कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 12 × 100 / 1954। तो अब ये देखिए ये हो जाएगा 1200, 1200 में 1954 का भाग देंगे तो ये दशमलव में आएगा, 0.6% के करीब आ जाएगा, तो ये आ गया 0.6%। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। तो 2013 ये है, इसमें सारे व्यय को हम लोग जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पर आ जाएगा 738.44 लाख आ गया। तो ये देखिए ये लाख में है तो ये 44,000 हो जाएगा, यानी 738,44,000, यानी 738.44। तो 738.44 लाख ये आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना था कि आपको 524.00, 105.00, 2.84, 31.60 और 75, ये सब जोड़ लेना था और इसको ऐड करने पर आपको मिलेगा 738.44 और यही आपको सीधे सीधे बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया है कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, कर यानी टैक्स, ये जो है ये वाला टैक्स वाला, करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय, ईंधन और परिवहन इसको लेना है, बीच का अनुपात कितना है। तो कर और ईंधन पर ईंधन और परिवहन पर हमको अनुपात देखना है तो कर को हम लोग टोटल जोड़ेंगे तो ये देखिए ये पूरा जोड़ने पर ये आ जाएगा आपका 436
और ईंधन और परिवहन पर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 604। तो 436 अनुपात 604 को अब अनुपात में बदलना है। तो इसमें देखिए 4 से भाग दे देंगे, अनुपात में बदलने के लिए इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए, तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 नवा 36 और 4 एकम 4, 4 पांच 20, 4 एकम 4, तो 109 151 इसका अनुपात आ गया। तो 109 151 ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एक हमको टेबल मिल रहा है और इस टेबल के लिए बात की गई है, इसमें 11 से 15 तक क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के ध्यान पूर्वक उत्तर दें। तो यहां पर देखिए ये कार दिया है, जैसे इसमें कार में एक आल्टो कार है, इसका माइलेज है 25 किलोमीटर एक लीटर में जाएगी, औसतन मात्रा एक दिन का जो है, देखिए ये पर डे का ये एक दिन का यहाँ पर औसत दिया है 10 लीटर तेल इसमें लगता है और ये कुल 10 दिन का मामला है, इसमें जो है 10 दिन की बात की गई है कि ये पूरा 10 दिन तक यात्रा चले। इसी तरह से स्विफ्ट गाड़ी है, इसका माइलेज 22 किलोमीटर पर लीटर है, इसमें भी 10 लीटर पर डे तेल लगेगा और 55 घंटा ये 10 दिन में चली है। इसी तरह से टियागो गाड़ी है, इसका माइलेज 30 किलोमीटर पर लीटर है, 12 लीटर पर डे इसमें तेल लग रहा है और ये 10 दिन में 50 घंटे चली है। इसके बाद मिनी एक कार है, उसकी एवरेज 20 किलोमीटर पर लीटर है, यानी एक लीटर में 20 किलोमीटर जाती है, 25 लीटर एक दिन इसमें तेल आता है और 10 दिन में ये 80 घंटे चली है। और नीचे है सबसे लास्ट में क्विड गाड़ी, जिसका एवरेज 25 किलोमीटर पर लीटर है, एक दिन में 20 लीटर तेल लेती है और कुल 10 दिन में 100 घंटे ये चली है। तो ये पूरा इनके बारे में इंफॉर्मेशन एक दे दिया है। अब हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से, जो उसकी गति है, 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का, यहां तक दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात क्या है। तो मिनी कार का और स्विफ्ट कार का आपस में अनुपात दिखाना है, स्विफ्ट कार। तो देखिए मिनी कार पूरे 10 दिन में 80 घंटे की यात्रा की है, अब इसी 80 घंटे में उसने 875 किलोमीटर की दूरी तय किया है, यानी 10 दिन में कुल 80 घंटा ही उसने यात्रा किया। तो 80 घंटा यानी टाइम उसका तो सेम है, 80 घंटा है मिनी कार का, और स्विफ्ट का 10 दिन का टाइम कितना लगा है, तो स्विफ्ट 10 दिन में 55 घंटे यात्रा किया है, यानी कुल यात्रा 55 घंटा 10 दिन में की गई है। तो टोटल टाइम स्विफ्ट का 55 घंटा है और मिनी कार का 80। अब इसे हम लोग रेशियो में बदलेंगे तो ये 5 से भाग देंगे तो ये 16 पाचे 80 हो गया, 11 पाचे 55, तो 16 संबंधी 11 इसका रेशियो आ रहा है, जो कि यहां पर कोई रेशियो है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। 16 संबंधी 11 आएगा और इसमें से कोई आंसर दिया नहीं है। और यहां पर 10 दिनों का दिया है कि एक कार 10 दिन में कितने घंटे चली है, ये इसका टाइमिंग दिया है, तो उस हिसाब से 875 किलोमीटर मिनी कार चली है और 990 किलोमीटर स्विफ्ट चली है, ये उनका टाइम दिया है और इसी टाइम का रेशियो हमको देखना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। तो आल्टो और टियागो का अनुपात देखना है और 10 दिनों के दौरान,
औसत गति का, तो गति कैसे निकलती है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो देखिए आल्टो आल्टो कार यहां है, आल्टो कार एक लीटर में 25 किलोमीटर जाती है, एक दिन में 10 लीटर तेल वो लेती है, 10 दिन उसे यात्रा की गई तो कुल 100 लीटर तेल लगा, तो 100 लीटर तेल में ये कितनी दूरी तय किया, तो 100 लीटर तेल में ये दूरी तय करेगी 25 × 100, 1 लीटर में 25 किलोमीटर, तो 100 लीटर में 25 × 100, और इसमें इस दूरी में हम 50 घंटे का भाग दे देंगे तो हमको ये मिल जाएगी चाल, चाल मिल गई, ये दूरी 25, 1 लीटर में 25 किलोमीटर, तो 100 लीटर में ये पूरी दूरी आ गई। इस दूरी में हम आल्टो के 10 दिन में वो 50 घंटा चली है तो उस टाइम से हमने भाग दे दिया, अब इसकी चाल आ गई। अब आइए टियागो पर, टियागो की 1 लीटर में 30 किलोमीटर चाल है, माइलेज है इसका, एक दिन में 12 लीटर तेल लेती है, तो ये 10 दिन चली है तो 120 यानी 30 × 120 ये डिस्टेंस हो गई टियागो की, और ये भी 50 घंटे यहां पर चल रही है। देखिए 50 से 50 कट गया, अब यहां पर ये आप 5 से काट सकते हैं, 5×5=25 और 5×6=30, और ये 4 से कट जाएगा, 25×100 और 30×120, और फिर ये 5 से कट जाएगा, 5×5=25 और 5×6=30, तो यहां पर आ गया 25 और ये आ गया 36, तो 25 संबंधित 36 इसका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी सही हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं, यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए एक चीज समझना होगा कि मान लीजिए कि ये दो स्थान ए और बी है, ए से एक कार v1 स्पीड से चलती है और बी से एक दूसरी कार v2 स्पीड से चलती है। मान लीजिए ये बिंदु सी पर मिलते हैं, अब यहां से जो v2 है यहां पहुंचेगा v2 और यहां से v1 यहां पहुंचेगा, तो ये टाइम जो v1 यहां से यहां पहुंचने में लेगा वो टाइम t1 दिया है और ये टाइम जो इधर लेगा वो टाइम t2 दिया है, ये इसी टाइम का अंतर पूछ रहा है कि ये जो टाइम है मिलने के बाद वो एक दूसरे के गंतव्य पर जो पहुंचेंगे उस समय का अंतर क्या है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कि v1/v2 बराबर √t2/t1, इसी फार्मूले का यहां यूज होगा। हमको t1 और t2 का अंतर देखना है, यानी t1 t2 की वैल्यू निकाल लिए और v1 v2 डायरेक्ट दिया नहीं है, तो v1 v2 कैसे निकलेगा, तो देखिए v1 का मतलब पहली वाली कार क्विड आल्टो और क्विड दिया गया है, तो आल्टो को हम v1 मान लेते हैं 10 दिन के दौरान, तो आल्टो कार देखिए ये है, उसने 10 घंटे में अरे 10 दिन में 50 घंटे यात्रा किया है और 2300 किलोमीटर दूरी है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 2300/50। अब देखिए ये 100 इसमें इंक्लूड है तो ये 23×46 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई,
और V2 को मान लेते हैं क्विट, तो क्विट के 10 दिन में 100 घंटे यात्रा किया है, तो 100 घंटे अगर वो 2300 किलोमीटर को की दूरी को 100 घंटे में तय करती है तो ये हो जाएगा 2300 गुणे 100 अपान 100, 2300 को 23 गुणे 100 लिख दिया और 100 से 100 कट गया, तो इसकी स्पीड आ गई 23 किलोमीटर पर आवर। तो V2 स्पीड यानी क्विट की स्पीड 23 किलोमीटर पर आवर आई इस डिस्टेंस को जो तय किया गया। अब हमको स्पीड मिल गया, अब टाइम निकालना है, तो V1 हमारे पास आ गया 46, V2 आ गया 23, और यहां पर ये अंडर रूट T2 माइनस T1 आ गया, तो ये दो बार में कट जाएगा, तो ये आ गया 2/1 और ये अंडर रूट T2 अपान T1। अब हम वर्ग कर देंगे तो ये 4/1 हो जाएगा, ये T2 अपान T1 हो गया, इन दोनों का अंतर 3 आ जाएगा, यानी 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब यहां पर यही दिया है, तो ये हमारा डिफरेंस 3 का आ रहा है जबकि इसमें कोई आंसर नहीं है, तो हम इनमें से कोई नहीं आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये इसमें फार्मूले का यूज किया गया था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी, सभी कारों द्वारा कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटों में तय करती हैं, तो कार ए और कार बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमको सभी कारों द्वारा 10 दिन में जो दूरी तय की जाएगी वो पता करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यहां पर अल्टो दिया है, अल्टो 10 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर जाती है और एक दिन में 10 लीटर तेल लेती है, तो 10 दिन में 100 लीटर तेल लेगी, तो 100 लीटर तेल में ये जाएगी 2500 किलोमीटर, अल्टो की डिस्टेंस आ गई 2500 किलोमीटर दूरी। इसी तरह से स्विफ्ट, स्विफ्ट देखिए 22 है और 10 लीटर एक दिन में लेती है और 10 दिन में 100 लीटर, तो 2200 किलोमीटर ये चलेगी। स्विफ्ट के बाद आई है टियागो, टियागो 30 किलोमीटर 1 लीटर में जाती है और 120 लीटर तेल लगेगा, तो 3600 किलोमीटर ये चलेगी। और आ गई मिनी, मिनी 20 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है और 250 लीटर माने 10 का इसमें गुणा कर देंगे, एक दिन में 25 लीटर तो 10 दिन का 250 लीटर, तो ये हो जाएगा 5000 किलोमीटर ये चलेगी। और लास्ट में क्विड आ गई, तो क्विड कितनी चलेगी, 25 और 200 तो ये 5000 ये भी चलेगी। अब सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो देखिए 5 2 7 6 13, 3 2 5 3 8 8 5 13 13 5 18, 18300 किलोमीटर आ गया। अब पूछ रहा है कि कार ए इसे 150 घंटों में तय करती है, तो ए की चाल क्या हो जाएगी, ए की चाल स्पीड, जो कार ए की स्पीड है 8183 गुणे 100 लिख देते हैं, काटने में आसान रहेगा, और ये 150 घंटे, तो देखिए ये 25 6 के 150 और 25 6 के 100, और ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 2 4 और 3 से ये 3 6 के 18 और 3 1 3, तो 2 1 2 2 6 के 12, 122 किलोमीटर आ गया एक ही स्पीड पर घंटा, क्योंकि इसमें टाइम दिया है। इसी तरह से बी की स्पीड निकाल लेंगे, तो बी की स्पीड क्या आएगी, 183 गुणे 100, जानबूझकर लिख रहे हैं कि काटने में आसानी होगी, और ये 300 किलो 300 घंटा है, तो 2 0 से 2 0 कट गया, ये आ गया 61 किलोमीटर पर आवर।
दोनों के बीच का डिफरेंस कह रहा है। तो a माइनस बी, ए 122 है, इसमें से 61 घटा देंगे तो ये 61 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो 61 किलोमीटर पर आवर इनका आंसर आ गया, ऑप्शन बी सही है। इनके स्पीड का जो डिफरेंस आया वो 61 किलोमीटर पर आवर आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था। तो यहां हम लोग टियागो लिख लेंगे और यहां मिनी लिख लिए, इनकी दूरी पूछ रहा है। तो टियागो देखिए 30 किलोमीटर एक लीटर में जाती है और एक दिन में 12 लीटर तेल लेती है, तो 10 दिन चलिए तो 120, तो 30 गुणे 120 हो गया, ये टोटल दूरी आ गई। और मिनी देखिए, मिनी जो है ये मिनी कार है, ये 20 किलोमीटर एक लीटर में जाती है, तो 20 गुणे 250, 10 दिन में 250। अब ये 5 से काट दिए, 5 छः के 30, 5 छः के 20, और ये फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 4 से फिर ये कट जाएगा, 4 तियाई 12 कट गया, 4 पांच 4 से 4 कट गया, तो ये 36 18 हो गया और इधर बच गया 25। तो 18 संबंधी 25 यानी ऑप्शन ए सही हो गया। तो 10 दिन के दौरान टियागो और मिनी द्वारा दूरी तय की गई, उनके बीच का रेशियो आ गया 18 संबंधे 25 यानी 18:25 का रेशियो आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन 16 से 20 तक एक दूसरा हमारे पास ग्राफ आ गया है, यानी ये भी हमारे पास लाइन ग्राफ है और लाइन ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और लाइन ग्राफ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक का 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2000 के दौरान न तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ और न ही कंपनी छोड़कर गया। तो यहाँ पर जो ग्राफ है उसमें 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक जो संख्या है वो 5000 है, उसके बाद 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और 2006 में जो कर्मचारी हैं वो निकले हैं और शामिल हुए हैं। ये जो लाइन है जो थोड़ी मोटी है ये वाली, ये कंपनी छोड़ने वाले लोगों की है, और ये लाइन ये है, मैं इस पर थोड़ा लाल से बना देता हूं। ये कंपनी छोड़ने वाले लोगों की लाइन है और ये जो लाइन है ये जो लाइन है ये कंपनी में शामिल होने वाले लोगों की लाइन है, जो कंपनी में शामिल हो रहे हैं ये लाइन। तो 2001 में 500 लोग कंपनी में शामिल होते हैं और 400 लोग कंपनी से निकल गए। तो आप देख लीजिए यहां पर जो नेट रिजल्ट रहा वो 100 का डिफरेंस यानी 100 प्लस का है। तो 2001 में जो कुल कर्मचारी हो जाएंगे वो 5100 हो जाएंगे। 2002 में 600 कर्मचारी निकल गए और 450 कर्मचारी आए, तो यहां पर माइनस का डिफरेंस है यानी 150 कर्मचारी कम हो गए, यहां पर माइनस का आ गया डिफरेंस। 2003 में 600 कर्मचारी, देखिए ये ग्रीन वाला आने वाले हैं, 600 कर्मचारी आए और 550 निकल गए, तो यहां पर 50 कर्मचारी अभी इसमें फायदे में रहे। 2004 में 700 कर्मचारी आए और 500 निकल गए, तो यहां प्लस 200 है यानी यहां कर्मचारियों की ज्यादा 200 कर्मचारी एक्स्ट्रा मिल गए, 500 निकले भले लेकिन 700 कर्मचारी नए शामिल हुए।
यहां पर 2005 में ये -50 हो जाएगा क्योंकि 550 कर्मचारी आए लेकिन निकले 600, तो यहां -50 हो गया, 50 का डिफरेंस आया। और 2006 में 700 कर्मचारी आए और निकले 650, तो यहां 50 प्लस हो गया। ये हमारा यहां पर डिफरेंस आपको मिलेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं बेस्ट। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? तो देखिए 2001 में, 2002 में और 2003 में। तो 2000 यहां पर 100 कर्मचारी आए लेकिन 2002 में 150 निकल गए और 2003 में 50 कर्मचारी और बढ़ गए। तो अब यहां से पूरा जो नेट रिजल्ट है, जितना ये कर्मचारी बढ़े थे, देखिए सन 2000 में 5000 कर्मचारी थे, तो 2001 में 5100 होते, फिर 150 निकल गए, फिर 50 बढ़ गए, तो टोटल जो रिजल्ट रहेगा ये जीरो आ जाएगा। देखिए यानी 2003 में जो कर्मचारियों की संख्या रह जाएगी वो 5000 ही होगी, क्योंकि नेट रिजल्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो 2003 में जो कर्मचारी मिलेंगे उनकी संख्या 5000 ही होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? तो 2003 में जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी संख्या देखिए 5000 आई थी, 2006 में जो कर्मचारियों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, ये हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि 2006 तक पहुंचते पहुंचते कर्मचारी कितने मिलेंगे। तो देखिए जब हमको पता था कि 2003 में हमारे पास 5000 कर्मचारी थे, 2004 में 200 कर्मचारी और बढ़ जाएंगे, तो 2004 में हमको मिलेंगे 5200 कर्मचारी, लेकिन 2005 में 50 कर्मचारी और कम हो जाएंगे, तो ये 5150 कर्मचारी मिलेंगे हमको 2005 में। और 2006 में जो हमको कर्मचारी मिलेंगे उनकी संख्या हो जाएगा, देखिए 50 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5200, यानी 5200। तो 5200 कर्मचारी 2006 में हमको मिल गए। अब इन कर्मचारियों का प्रतिशत पूछ रहा है कि 2003 में जो काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या थी, 2006 में काम करने वाले संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, देखिए 5000 बटा 5200 गुणे 100, ये दो जीरो दो जीरो कट गया। अब 5000 में 52 का भाग देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 96.15%। तो इसका आंसर आ गया 96.15%, यानी ऑप्शन ए सही है। तो यहां हमको, यहां से जो कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन हमको 2003 में पता चल गया था कि 2003 में 5000 कर्मचारी हैं, तो फिर हम 2004 में निकाल लिए कि कितने होंगे, तो 200 कर्मचारी बढ़ गए, फिर 2005 में 50 कम हो गए तो 5150 ही रह गए, और 2006 में फिर 50 और आ गए तो हमारे पास 5200 कर्मचारी हो गए। और इस प्रकार से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात क्या है। तो ये शामिल होने वाले कर्मचारी यहां पर हम लिख लें और ये छोड़ने वाले लिख लें। तो पूछ रहा है कि
कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, जो कंपनी में शामिल हो रहे हैं उनकी न्यूनतम संख्या क्या है। तो शामिल होने वाला ये वाला ग्राफ था, ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला ग्राफ था। तो देखिए यहाँ पर 500 है शामिल हो रहे हैं, फिर 450 शामिल हो रहे हैं, 600 शामिल हो रहे हैं, 700 शामिल हो रहे हैं, 550 शामिल हो रहे हैं और 700 हो रहे हैं। 700 दो बार आया। तो आप यहां पर देखिए 500, 450, 600, 700, 550 और 700, तो मिनिमम 450 शामिल होने वाले कर्मचारी हैं। छोड़ने वाले की बात करनी है कि मैक्सिमम छोड़ने वाले कहाँ हैं, तो मैक्सिमम छोड़ने वाले देखिए सबसे ज्यादा छोड़ने वाले जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं उनको, कि सबसे ज्यादा छोड़ने वाले कर्मचारी ये ब्लैक वाला है। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 650 है, यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 550 है, यहाँ पर 600 है और यहाँ पर 400 है। तो इनमें सबसे ज्यादा 650 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 650। अब इनका रेशियो लेना है तो हम इसे काट दिए, 5 × 9 = 45 और 13 × 5 = 65, यानी इसको हम 9/13 लिख सकते हैं, यानी 9 संबंधी 13 का रेशियो आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए दिया है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि अवली कमी अधिकतम है। तो ये कंपनी, ये जो रेड वाली लाइन है, ये कंपनी छोड़ने वाले लोगों की है। तो देखिए यहाँ पर कंपनी 400 लोग छोड़ रहे हैं और उसके बाद 2002 में 600 लोग छोड़ रहे हैं, तो 400 से 600 यानी 200 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद छोड़ने वाले कर्मचारी 550 हो गए, तो यहाँ पर मात्र 50 से कम हुए। इसके बाद यहाँ पर 500 और 50 कम हुए, फिर यहाँ पर 600 आ गया, यानी 100 का डिफरेंस आया, और 100 के बाद यहाँ पर 50 का डिफरेंस आया। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है 2001 में 400 लोगों ने कंपनी छोड़ी और 2002 में 600 लोगों ने कंपनी छोड़ी। तो कंपनी छोड़ने वाले में यहाँ 200 का डिफरेंस आया। तो प्रतिशत डिफरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो 200 का डिफरेंस आया 400 पर, तो 100 पर कितना आएगा, तो 200 × 400 और 50 × 100, यहाँ पर 50% का अधिकतम छोड़े, यानी 2002 में सबसे ज्यादा प्रतिशत छोड़ने वालों का था उसके पिछले वर्ष की तुलना में। तो आंसर इसका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि 2002 और 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि अवली कमी हुई। तो 2002 और 2003 की बात हम लोग कर लें, तो 2002 में कर्मचारी कितने हैं, देखिए 2000 में 5000 कर्मचारी थे, लेकिन यहाँ पर 100 कर्मचारी और बढ़ गए, तो 5100 हो गए, लेकिन अगले वर्ष 150 कर्मचारी कम हो गए। तो 5100 में से 150 कर्मचारी कम हो गए, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9 और ये हो जाएगा 4। तो 2002 में 4950 कर्मचारी हैं और 2003 में कुल 5000 कर्मचारी हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रतिशत वृद्धि हुई या कमी, तो यहाँ पर वृद्धि हुई है 50 की। इस 50 की वृद्धि को कैसे निकालेंगे, 50 की वृद्धि हुई है 4950 पर, तो 100 पर होती तो कितना होता, तो ये हम लोग इसे इसको काट लेंगे, तो ये हो जाएगा 500 में 495 का भाग देंगे तो नियर अबाउट 1% आएगा। तो 1% की वृद्धि होती है और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस स्थिति में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक के लिए फिर ये एक दंड आरेख दिया है और दंड आलेख का हम लोगों को अध्ययन करके इस पर बेस्ड क्वेश्चन करना है।
इसमें दिया है कि विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाख में दिया गया है। यहाँ पर उत्पादन लाख में वाई एक्सिस पर है और ये एक्स एक्सिस पर ये वर्ष दिए गए हैं 2011। तो 2011 में यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है कि ये 40 है, 2012 में ये वैल्यू 55 दिया है, 2013 में ये 75 है, 2014 में ये 60 है, 2015 में 80 है, 2016 में 65 है, 2017 में 90 है और 2018 में 95। ये सब वैल्यू दिया हुआ है हर वर्ष का अलग अलग। तो चाहे तो हम लोग यहाँ पर 2011, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 की वैल्यू अलग अलग लिख करके, बल्कि थोड़ा सा और हम सटा के लिखें 11, 12 से, तो हम इसको लिख पाएंगे। तो ये 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 11 में देखिए ये वैल्यू 40 है, 12 में 55 है, 13 में ये 75 है, 14 में 60 है, 15 में 80 है, 16 में 65 है, 17 में 90 है और 18 में 95। ये वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया, ये आगे का काम करेगा। अब आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि वर्ष 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2011 और 2018 में खिलौनों का उत्पादन लिख लेंगे। तो 2011 में ये 40 हैं, खिलौने का उत्पादन 40 लाख, और 2018 में ये है 95 लाख। तो यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो हुई है 55 की। अब इस वृद्धि को प्रतिशत में देखना है, तो प्रतिशत में देखने के लिए कैसे निकालेंगे, 55 की वृद्धि हुई है 40 पर, तो 100 पर कितना होता। तो 11 पाँच 55 और 5 8 40 और ये हो जाएगा 50 दुनी 100 और 4 दुनी 8। तो ये 550 में 4 से भाग देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 4 एकम 4, देखिए यहाँ हो जाएगा, और 15 4 तिहाई 12, 4 सत्य 28 दशमलव, तो 137.5 प्रतिशत की वृद्धि जो है हुई है 2011-2018 में खिलौनों के उत्पादन में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसका आंसर बहुत इजीली दे लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो वृद्धि वाला हमको देखना है, तो वृद्धि एक यहाँ पर हुई है, एक यहाँ पर हुई है, एक यहाँ पर हुई है और एक यहाँ पर हुई है, और यहाँ भी हुई है, तो यहाँ बहुत मामूली है। तो हमको इन इन वर्षों का ही वृद्धि का देखना है। तो 2011 और 2012 का एक हमको कंसीडर करना है, फिर ये कंसीडर करना है 2012 और 2013 का, 2012-2013 का, 2014 और 2015 का कंसीडर करना है, 2015 जहां पर वृद्धि हो रही है, फिर 2016 और 2017 का कंसीडर, 2016 और 2017। तो 2011 में देखिए ये 40 है और 2012 में 55 है, तो यहां पर 15 की वृद्धि हुई। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे, इस प्रतिशत इसका निकालेंगे तो कितना हमको मिलेगा, 15 की वृद्धि हुई है 40 पर, परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 100 पर कितना होता। तो देखिए 5 तिहाई 15, 5 8 40, 50 और ये हो गया 4, 5 तिहाई 15 यानी 150 और ये 4, 4 तिहाई 12 और 4 सत्य 28, तो यहाँ पर 37 समथिंग की वृद्धि आपको मिलेगी। 4 सत्य 4 तिहाई 12, 4 सत्य 28, 4 5 20, 37.5% की वृद्धि यहाँ मिलेगी। 2012 में ये 55 है और यहाँ पर हुआ है ये 75, तो
12 13 भी देखना है, 14 15 और तो ये 55 से 75 हुआ, तो 55 से 75 देखिए 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2, यहां 20 की बढ़ोतरी हुई, तो यहां भी परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे, 20 की बढ़ोतरी 55 पर हुई है तो 100 पर कितना हो जाता, तो 11 5 55 11 बार में कट गया और 20 बार में ये, तो 20 भी सही, हम 400 400 में 11 का भाग देंगे तो 11 3 33 और ये आ जाएगा 36.36%। इसी तरह से 2014 वाला देखिए, 2014 में 60 और 80 है, 60 और 80 की बात है, तो यहां पर भी 20 का बढ़ोतरी है, तो यहां हम लोग देख लें तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो 20 की बढ़ोतरी हो गई 60 पर तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, यानी ये 33.33% यहाँ आ गया। लास्ट बचा 16-17, तो 16 में देखिए ये 65 है और 17 में ये 90 है, तो 10 में से 5 गया 5 हो गया और यहाँ 8 में से 6 गया 2, यानी 25 की वृद्धि, तो 25 की वृद्धि हुई है 65 पर तो 100 पर कितनी होती, तो 5 5 25 13 5 65 और ये हो गया 500/13, तो 500/ यहां आ जाएगा 38.46%। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये दिखा कि 2016-17 वाला जो बढ़ोतरी है यहां पर बढ़ोतरी ज्यादा है, यानी 2017 में वृद्धि ज्यादा हुई है, तो ऑप्शन बी सही है। तो परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए ये बात चेक करनी पड़ेगी, लेकिन आप यहां से आप देख सकते थे कि जिसमें गैप ज्यादा है, यानी ये 65 से 90 हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर वृद्धि ज्यादा होने की संभावना थी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 40+55+75+60+80+65+90+95 इन सबको जोड़ करके और डिवाइड करना है, किससे करना है भाई, तो ये देखिए 3 3 6 2 8 से डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो देखिए 5 5 10 10 5 15 5 20 सुनना आसमान लगल 2 9 2 11 11 9 20 20 6 26 26 और 8 34 6 40 40 7 47 47 5 52 और 4 56, तो 560/8 हो गया और ये 8 7 56 ये आ गया 70, तो ये औसत आ गया पूरी अवधि का। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इस औसत से कहाँ कहाँ पर ज्यादा वैल्यू थी, तो इस औसत से देखिए यहाँ पर 75 था तो ये ज्यादा है, यहाँ पर 80 था ये ज्यादा है, यहाँ पर 90 था ये ज्यादा है, ये 95 था ये ज्यादा है, तो कुल कितनी जगह अधिक है, तो ये कुल 4 जगह अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 वर्षों में 4 ऐसे वर्ष थे जो औसत उत्पादन से अधिक उत्पादन उनके यहाँ हो रहा था उन वर्षों में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि 2013 से 2014 तक के खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी, तो 2013 में जो खिलौने का उत्पादन है वो है 75 लाख, 2014 में जो खिलौने का उत्पादन है वो है 60, तो कुल ये 15 लाख का डिफरेंस है, मतलब ये गिरावट आई है, तो ये गिरावट परसेंटेज में कितनी है, तो 15 गिरावट 75 पर आई है, तो 100 पर कितना होता, तो 15 5 75 और 20 5 100, तो 20% की गिरावट आपको यहाँ देखने को मिलती, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी इसका आंसर डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था, तो 2015 देखिए ये है 80 यहाँ उत्पादन हुआ है और 2016 में 65 हुआ है, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे
तो देखिए ये 5 हुआ, 8 6 14 145, और 2 से भाग देंगे तो 2 7 14 और 2 दूनी 4 और 2 5 10, ये 72.5 आ गया। अब ये 72.5 कहाँ आएगा या 145 किसके किसके जोड़ने से आएगा? तो देखिए अगर 2012 और 2017 की वैल्यू को आप जोड़ते हैं तो 2012 में 55 है और 2017 में 90 है, तो इनको आप जोड़ते हैं तो आपको 145 मिलेगा और इसका भी औसत आ जाएगा 72.5। इसका मतलब कि 2012 और 2017 के युग्म के बराबर है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि 0.05 का स्क्वायर, 0.41 का स्क्वायर, 0.037 का स्क्वायर, और उसी के नीचे देखिए इसी से यहाँ पर दशमलव के दो अंक है, यहाँ पर दशमलव के तीन अंक हो गए, यहाँ पर दशमलव का दो अंक है, यहाँ पर दशमलव के तीन अंक, यानी ऊपर से एक अंक एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है नीचे में। यहाँ पर दशमलव के तीन अंक है, यहाँ पर दशमलव के चार अंक है, तो दशमलव के अंक वाले जो जब इनका स्क्वायर होता है, जैसे मान लीजिए कि ये दशमलव दो है, जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये चार हो जाएगा, लेकिन दशमलव के दो अंक आ जाएंगे, दशमलव के दो अंक पर जाकर बाएं दाहिने से दो अंक पर जाकर दशमलव लगेगा। तो जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इनके बीच में अगर इसे सॉल्व किया जाएगा तो न्यूमरेटर में दो जीरो दशमलव के अधिक मिलेंगे, दो अंक अधिक मिलेंगे, इस दो अंक के बदले में ऊपर हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी इस पूरे को सॉल्व करने के लिए इसमें 100 का डिफरेंस होगा, यानी एक दशमलव का एक अंक बढ़ेगा और जब उसे स्क्वायर कर देंगे तो वो 100 में बदल जाएगा, यानी दशमलव के दो अंक में बदल जाएगा, और दशमलव हटाने के लिए दशमलव के दो अंक का अगर दशमलव है तो 100 से गुणा करते हैं, दशमलव हटाने के लिए एक अंक है तो 10 का गुणा करते हैं। अब देखिए इसको आप दशमलव ऊपर से हटाना चाहेंगे और नीचे से हटाना चाहेंगे तो आपको ऊपर वाले दशमलव को हटाने के लिए मैक्सिमम 6 अंक माने 1,000,000 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे हटाने के लिए 8 जीरो से, यानी एक के पीछे 8 जीरो से गुणा करना पड़ेगा, तो 8 जीरो से भाग भी देंगे तो ऊपर 2 जीरो हमारा बच जाएगा। इसका आंसर बहुत आसान था कि एक दशमलव का अंक नीचे अधिक होने से उसको हटाने के लिए जब ये स्क्वायर होगा तो दशमलव के दो अंक हटाने पड़ेंगे और उसे हटाने के लिए 100 की जरूरत होगी, यानी डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 100, यानी ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 57 है, 5 परिणामों का औसत 46 है, तो 5 गुणे 46 कर देंगे तो 5 का योग आ गया, 5 6 के 30, 5 6 के 20 और 3 23 230, और 4 परिणामों, पहले 4 परिणामों का योग 45, तो 4 गुणे 45 कर दिए तो 4 5 20, 4 4 के 16, 2 18, तो इनको घटा देंगे तो पांचवा परिणाम जो पूछ रहा है वो पता चल जाएगा, तो यहां से माइनस कर देना है, तो 13 में से 8 गया 8 5 13, ये एक बचा, एक में से एक गया जीरो, तो इसका आंसर आ गया 50, तो ऑप्शन बी सही है। देखिए ये क्वेश्चन दिया है ये अंडर रूट में 29.8116 और 77.44, तो और इनका योग है तो हम पूरे के सॉल्व नहीं करेंगे इसको, देखिए कितना आसानी सॉल्व कर सकते हैं, ये 77.44 हम लोग मान लेंगे बिना दशमलव का, तो वर्गमूल निकालने के लिए जो दो अंक हैं इसको छोड़ करके जो बाकी अंक हैं उनको हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ये इकाई के अंक पर चार आया है तो दो स्थिति में आ सकता है, यानी दो के वर्ग में आएगा और आठ के वर्ग में भी चार आएगा इकाई के स्थान पर, तो ये दो चीजें फिक्स हो गई। अब 77 किसके वर्ग के आसपास है, तो देखिए 8 का वर्ग ये 64 होता है, तो 64 के आसपास है, यानी 8 के वर्ग में, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा, तो 81 से छोटा हो गया तो ये 64 वाली रेंज में आएगा। अब ये 64 से 77 बड़ा है तो यहां पर जो हमारा
ये आठ है, ये जो जिसके वर्ग है, तो आठ हम यहां पर लिख देंगे, तो ये वास्तव में 88 का वर्ग है, और यहां पर आठ लिखते तो ये 82 होता, तो 82 का ये वर्ग नहीं है, ये हो गया 88 का वर्ग। तो 88 का वर्ग हो गया, इसका मतलब कि ये दशमलव लगा है, तो 77.44 को हम लोग लिखते 8.8, और प्लस यहां पर इसका जो भी मान आएगा, यहां जोड़ने पर ये देखिए दशमलव का अंक 8 है, यहां पर दशमलव के दो अंक हैं, अरे दशमलव इसके वर्गमूल में दशमलव के दो अंक आएंगे, इसके वर्गमूल में दशमलव के दो अंक आएंगे, और यहां इकाई के स्थान पर 6 जरूर आएगा, तो इकाई के स्थान पर 6 जरूर आएगा, तो यहां पर 6 आएगा और इकाई के स्थान पर, और यहां पर एक संख्या और आएगी, मान लीजिए कोई भी वो संख्या हो, तो और दशमलव यहां लगेगा, इसमें जब लगा होगा तो दो अंक के बाद दशमलव लगना है, तो यहां पर जो एक दूसरा अंक आएगा इकाई के स्थान पर, तो 6 ये लग गया। तो अब देखिए, अब यहां पर ये है 8.8 और ये 0, और यहां पर कोई और अंक आएगा और यहां 6 आएगा, तो 6 तो यहां आ ही जाएगा। अब इसके बाद यहां जो भी अंक आएगा तो इसके लास्ट में 6 आएगा, तो हमारा ये वाला उत्तर और ये वाला उत्तर नहीं हो सकता। अब ये देखना है कि इसमें से कौन उत्तर एग्जैक्ट सही होगा, क्योंकि 14.26 ये भी है और 12.26 ये है, तो यहां पर 8 में जब जोड़ेंगे तो ये 12 के आसपास इसका जो वर्गमूल है वो नहीं आएगा, इसका वर्गमूल देखिए ये कुल 6 अंक की संख्या है, तो ये 3 अंक की संख्या का ये वर्ग है जिसमें 3 अंक की संख्या का वर्ग है जिसमें 2 अंक पर दशमलव लगा है, तो 2 अंक पर दशमलव लगा है तो निश्चित रूप से इसका आंसर 14.26 के करीब आएगा, क्योंकि 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, जबकि ये 4 से बड़ा वाली वैल्यू वाली एक संख्या का मिलेगा। इस प्रकार से हम बिना इसको वर्गमूल निकाले ही ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन इसका आंसर सही होगा। और एक तरीका यह है कि देखिए आप 29.8116 ये कुल 6 अंक की संख्या, इसका मतलब कि 3 अंक की संख्या का वर्ग है, यानी अगर हम 500 का वर्ग करेंगे तो ये 2500 आएगा, ये 20 है ये आएगा, इतनी बड़ी ये संख्या आएगी, यानी ये 6 अंक की ये भी संख्या आएगी, इसका मतलब कि 5 तो आना ही आना है, तो 8 5 13 होगा, ऐसे हो जाएगा, और 14.26 इसका आंसर ही होगा, तो हमको इसे पूरा एग्जैक्ट निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये मैं कह रहा था, आप अनुमान से इसे सही कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 60 है, इसमें दिया है कि 5.21 गुणे 6.32 -2.9272। अब पूछ रहा है कि भाई क्या होगा इसका आंसर, तो देखिए यहां पर ये 1 है इकाई का अंक, यहां पर 2 है, तो इकाई इकाई में गुणा करेंगे 1 × 2 तो 2 ही आएगा, और ये 2 इसमें से यहां पर दशमलव के 2-2 अंक पर दशमलव लगा है, और ये दशमलव का 4 अंक है, तो यहां पर आपको 0 मिलना है, 2 में से 2 निकालेंगे, देखिए यहां पर जब गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पर ये 2 आएगा और 2 ये घटेगा ये वाला, क्योंकि जब इनका गुणा होगा तो दशमलव के 4 अंक आ जाएंगे, और 4 अंक में इकाई का अंक ये पर 2 आ जाएगा, और यहां 2 पहले से है तो 2-2 घट के 0 आ गया, तो जिस ऑप्शन में 0 होगा वही इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सही कर सकते थे, देखिए ये 5.21 है तो दशमलव के 2 अंक है, इसमें गुणा 6.32 यहाँ पे दशमलव के 2 अंक है, तो यहां पर दशमलव के बाद 4 अंक की संख्या मिलेगी जिसमें लास्ट में 2 आएगा, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 2 है, और यहां पर भी जो जिसमें से घटाना है ये भी 2 है, तो 2 में से 2 निकल गया तो 0 आएगा, तो इस ऑप्शन में जो 0 ऑप्शन जहां पर इकाई का अंक 0 था वही इसका उत्तर हो सकता था। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने इसका आंसर सही लगा लिया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पर आप कमेंट जरूर करिएगा, मैंने प्रयास किया है कि
आपको सही और व्याख्या सहित फल पहुंचाया जाए। सेकेंड शिफ्ट का वीडियो मैं शीघ्र ही लोड करूंगा और आप उसे देखना न भूलें। तो आज बस इतना ही, विदा लेता हूं, आप भी खुश रहिए, नमस्कार।